ब्लॉग ब्लॉग चल रहे हैं। हम दोनों साथ में बैठे हैं और ये जमूरे पीछे बैठे हैं। पापा आपको जमूरा कह रही हो? ओह मैं तो भूल गई थी, अरे जमूरे का हेड बैठा है। कहाँ पे कहाँ पे शक्ल दिख रही दिख रही दिख रही गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नई मुस्कुराती सुबह का आगाज हो गया है, एक नया पैगाम लेके आई है, एक नई खुशी लेके आई है और उसी खुशी के लिए आज हम जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। फटाफट से अपने बच्चों को खाना खिलाया ताकि बाहर जाकर कोई दिल में गिल्ट फील ना हो कि हम अपने बच्चों को आज भूखा छोड़ के हैं। डुकू को गेम भी खिला दिया और अपने बच्चों को खाना भी खिला दिया, तो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुके हैं हम और अब निकल पड़ते हैं अपने सफ़र पे। मौसम काफ़ी साफ था, सुहावना था, बस ट्रैफिक जाम की वजह से थोड़ी सी बोरियत हुई और जल्दी ही हम पहुँच गए यहाँ पे और ये है पार्किंग एरिया। यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे और फिर पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे और किस काम से आए हैं ये भी आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। और देखिए हम पहुँच चुके हैं, साथ में है हमारे पंडित जी। तो पंडित जी हैं तो सीधी सी बात है पूजा होनी होगी। ओह सरप्राइज अंकित। तो भाई आज बहुत ही खास दिन है हमारे लिए, यहाँ पे आज इनके ऑफिस की ओपनिंग है, अपना नया काम शुरू करने जा रहे हैं। तो इनको ढेर सारी बेस्ट विशेस हैं, गुड लक बेस्ट लक सब कुछ, इनका काम खूब अच्छे से चले। और ऑफिस के ऊपर से ये सारा नज़ारा दिखाई देता है। अभी तक शिखा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी लेकिन अभी फ़िलहाल ये अपनी कंपनी को संभालेगी और उसे भी टॉप पर लेकर जाएगी, इतना मुझे पूरा विश्वास है। तो ये है इनकी कंपनी का बैनर अक्विला हाइक्स, जिसके नाम में ही एक ऊंचाई है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उत्तराखंड में चोपटा एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे आशु और शिखा का स्नो एंड सेट्स नाम से रिजॉर्ट और कैंप है। तो अब इनका दोनों ये काम चलेगा, यहाँ पे शिखा संभालेगी इस ऑफिस को और वहाँ पे आशु संभाल ही रहे हैं अपनी टीम के साथ। तो अभी पूजा की तैयारी चल रही थी, अंदर पंडित जी तैयार कर रहे थे और यहाँ पे ये दोनों मिल के रंगोली बना रहे हैं दरवाजे के ऊपर। कहते हैं किसी भी शुभ काम में पूजा वाले स्थान पे जब रंगोली बनाई जाती है तो बहुत ही शुभ माना जाता है और अगर गृह लक्ष्मी के हाथ से रंगोली बनती है तो वो और भी काम शुभ हो जाता है। सही है, और ना हेमंत का सोचा था। हेमंत तो और पास है। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सभी तैयार बैठे हैं। तो चलिए पंडित जी भी शुरू हो गए अपनी पूजा के लिए, आप पूजा में सब शामिल हो जाते हैं और आप सब का भी आशीर्वाद, आप सबकी शुभकामनाएं इन बच्चों के साथ में हो, ये खूब तरक्की करें, ऐसा बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। माता पिता चरण कमले ओम ऐ स्वस्ति न इंद्रो बृहद सर्वा स्वस्ति न पुरुषः विश्ववेदा स्वस्ति नस्ता हरिषु अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु ओम आदित्य वशोद तिलकंते प्रच्छन्तु धर्म कामारक्षिदे स्वस्तिरस्तु कल्याणं सुखसौते लक्ष्मीपतिर् भवतु स्वस्तिरस्तु। पत्नी को वाम हस्ते श्रीलिखेयु ओम शस्य पत्नी अहोरात्रे पारेश्वे नक्षत्राणि रूपं लक्ष्मीभ्यां नमोन्मे अखंड सौभाग्यवती भव पुत्र पौत्रवती भव लक्ष्मी भव कीर्तिवान भव सुखसमृद्धिर् भवतु स्वस्तिरस्तु कल्याणं भवतु। सर्वे जनान हस्ते यक्षतान कृत्वा स्वस्ति पाठं कुर्यात्। सर्वे जनान हस्ते यक्षतान कृत्वा स्वस्ति पाठं कुर्यात्। ओम ऐ स्वस्ति न इंद्रो बृहद सर्वाः स्वस्ति न पुरुषाः विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्ता हंसु अरिष्ट नेमी स्वस्ति नो पियस्पतिर्दधातु ओम पये पृथ्वीभ्यां पये ओषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयो दाः पयस्पति प्रतिशह सन्तु मयामे ओम विष्णु ररहटमसी विष्णु शनप्रेष्ठो विष्णु सूर्यसी विष्णु दुर्वसी विष्णुमसी विष्णुवे ताहा ओम अग्निर्देवता वातु देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्र देवता आदित्य देवता मरुतु देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पतिर्देवतीन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम धवो शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरा पै शांतिरोष्णे शांति वनस्पतयगं शांति साम शांतिरेधि शांति शुभ शांतिर्भवतु ओम विश्वानुदेव सवितरतुलितानि परासुभ यद्वद्रं तन्ने आशिवे ओम एतन्तदेव सवितुर्यज्ञं प्राहुरे बृहस्पति ब्रह्मणि तेन यजमव तेन यजपति तेन महामवह मनोर्जोतृजुहितामाजसे बृहस्पति यजमिमं त्वनो त्वदिष्टं जगगं समिमं दधातु विश्वेदेव सर्जो यजति नयति नयतं तेन सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति ओम हरि ओम गण नन्त्वा गणपति भंगवा महे प्रिया नन्त्वा प्रियस्नमाहमजानिगर्वदं मा त्वमजाशिगर्वदं ओम नमो गणेभ्यो गणपति वशवो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपति वशवो नमो नमो घृतेभ्यो घृतपति वशवो नमो नमो वीरूपेभ्यो विश्वरूपे वशवो नमो नमः यागच गणेशे आव्यविष्टाभ्यो गणेशाय नमस्करोमि प्रतिष्ठां करोमि ओम एतन्तदेव सविद्धि बुद्धिसी महागणाधिपते नमो नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमोन्मे उमा महेश्वराभ्यां नमोन्मे शचीपुरेन्द्राभ्यां नमोन्मे माता पिता च कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मण अथ ऋद्धि बुद्धि सी महागणाधिपते नमो नमः महागणाधिपते नमो नमः सर्वे जनान अक्षतां समर्पयामि संबिका सर्वे देवानां पुनरुत्थानार्थे नूतन व्यापार प्रारंभ कर सुख समृद्धि करनार्थे शांतिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता उपरांत लक्ष्मी स्थिर करनार्थे सर्वे जन यथोचित मनोकामना आदि पूर्ण करनार्थे अहम संकल्प करिष्ये बोलो ओम ब्रह्मवस्तु ओम ब्रह्मवस्तु ओम ब्रह्मवस्तु इसका अर्थ जो ब्राह्मण ने कही उसमें इसके अलावा मनसा पूजा करनी आपने मनसा ये रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी हमारे व्यापार में रहे और हमारे कुबेर देवता सदा विराजमान ओम हरि ओम गणहनंतः गणपति गंगावः महे प्रियहनंतः प्रियस्नम अहमे जानि गर्वदम मा त्वमे जासि गर्वदम अत संकल्पम कल्याण सुख लक्ष्मी पति भवतु स्वस्ति अस्तु पत्नी को वामस्ते ओपादम अर्घम आचमनम जलम सर्वे जलांति वस्त्रांति वस्त्रांति उपस्त्रम उपस्त्रांति गोपीतांति गोपीतम सर्वे गोपीतांति गंधांति संसंधांति अक्षरां अक्षरांति निवेदांति निवेदम सर्वे ओम नावृति शेष होता तथा लोकाने कल नमोस्तुते कुलदेवेभ्यो नमो नमः ओम याकुंधेन्दु तुषारांडवल यासुभ्रवस्त्राविता याविनावर्तन्यमंडित कर यासुवेदमाशना सदावंदिता श्यामं पातु सरस्वती नमो नमः अब लक्ष्मी जी का वन करना है ठीक है लक्ष्मी दो है शादी में बताई तो फिर आप पूरी रात बताई तुम्हें पहली लक्ष्मी पैसा करेंसी दूसरी लक्ष्मी पत्नी यत्रस्तु नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता ऐसे शास्त्रों में लिखा है तो आपके लिए बात ये किस लिए छोड़ दी कि पत्नी को पर्दे में रखना चाहिए दूसरी संरक्षण नहीं करना चाहिए क्योंकि इज्जत होती है और लक्ष्मी पैसे को खाने के लिए बटाना चाहिए उसको तिजोरी में परस में गंदे में छिपा कर रखना चाहिए और जो आपकी जो चेयर है ना उससे भी पढ़ना पड़ता है उधर एक रैक लगेगा और रैक के दराज आपकी उत्तर में खुलेगी ये पूर्व है कुबेर हमेशा उत्तर में वास करता है सामने वाले तो पूरा पश्चिम होगी साइड वाले अपने तुम्हारा काम मेरा काम ठीक है नमो नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि यो नमो नमः ओम वर्णस्त्रवसी 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 वर्णस्त्रम कलशकुंभाय आव्यविष्टाभ्यं पुनः कलशकुंभाय अध्ययन बदलते तो आपकी बहुत बहुत धन्यवाद ओम ये नमः धौली राजा दानवेंद्रो महोदय तीन क्वां प्रतिरक्षी माच माच ब्रह्मा की रक्षा विष्णु
तिलकन्ते प्रच्छन्तु धन कामारग सीधे स्वस्ति अस्तु कल्याण सुख लक्ष्मी पति बहुत सीखा गया करो किया था ना यहाँ किया था झूठ बोल रहे ऊपर किया ऊपर कौन से लक्ष्मी और लक्ष्मी अपने लक्ष्मी के जैसे सुनती काम लगा के स्वास्थ्य लक्ष्मी के जैसे मैं मुझे कुछ बोला ही नहीं तो लगी ना ओम येन वद्धो नी राजा दान विंद्रो भालय तेन त्वां प्रतिरक्षी माचल माचल ब्रह्मा की रक्षा विष्णु रक्षा रक्षाम सर्वदाम कुरु रक्षाम सर्वदाम कुरु रक्षाम सर्वदाम कुरु स्वस्ति रस्तु कल्याण सुख सुख लक्ष्मी पतिर भवतु स्वस्ति रस्तु पत्नी को वाम हस्ते यक्षान गिरतु पंडित जी ओम शिष्य पत्नी अहो रात्रे पारेश नक्षत्राणि रूपं शरण मुष लक्ष्मी भ्याम नमो हुन नमः संजो लक्ष्मी पतिर भवतु स्वस्तिरस्तु। हाँ भाई इसको गले में रखना है जो सिक्का ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश मंगलम पुंडरीकाक्षी मंगलायतन हरि आइए स्वस्ति रस्तु कल्याणं सुखशोदि लक्ष्मीपतिर् भवतु स्वस्ति रस्तु श्री लक्ष्मीपतिर् भवतु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यत् पूजितां क्षम्यतां परमेश्वरि क्षम्यतां परमेश्वरि लक्ष्मीपतिर् भवतु श्रीजीव लक्ष्मी इधर भी इधर भी बेटा फल लेके आओ मिठाई लेकर मिठाई लेके आओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणदजे मंगलम पुंडरीकाक्षी मंगलायतन हरि चिरंजीव सुखशोदि कल्याणं भवतु स्वस्ति रस्तु। सबसे पहले आशीर्वाद प्रणाम करो आशीर्वाद नहीं नहीं इसको थोड़ी पकड़ो पहले थोड़ी पकड़ो भाई रख आराम से मस्त हाँ भाई बेटा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणदज मंगलम पुंडरीकाक्षी मंगलायतन हरि चिरंजीव सुखशोदि कल्याणं भवतु स्वस्ति रस्तु। अकेला है ना ये सिंगल वाला है डबल वाला है ये डबल वाला ले लो ये डबल भी है खुश हो तू हम तो रिश्ता करवा रहे हैं क्या आप ये दोनों भाई साथ में करते रहो थोड़ा दिन बढ़ावा थी साथ में थोड़ा
बताओ जब बताओ जब आपके अनुसार 17-24 छोड़ के मतलब 17-24 के बाद ही बोल रहा हूँ वो आपकी मर्जी क्या चीज़ मुझे पूजा करानी है अच्छा मुझे चाहिए एक दिन नवरात्रि का पे नवरात्रि तो बहुत दूर है नवरात्रि उससे पहले करोगे तो पूजा बहुत ही अच्छे से संपन्न हो चुकी है। पंडित जी विदा ले चुके हैं और ये देखिए हमारे गणपति बप्पा विराजमान हो चुके हैं। इनका आशीर्वाद रिद्धि सिद्धि के साथ इन बच्चों के ऊपर हमेशा बना रहे, बस यही प्रार्थना है। और अभी हम सारे मिलकर जाएंगे खाना खाने के लिए। हमारे आसपास कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके आने से एक खुशी का आगाज होता है, उनका जो व्यक्तित्व होता है ना वो ऐसा होता है कि एक पॉजिटिविटी हमारे चारों तरफ फैल जाती है। और हमेशा ठीक ऐसे ही शिखा से मिलने के बाद मुझे फील होता है। और शिखा के साथ ये जो नई बच्ची अंजू है ये भी बहुत ही प्यारी है, इसके साथ भी मतलब एक खुशी का माहौल बना हुआ था। इससे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हेमंत और अंजू की जोड़ी ऐसी ही हंसी मुस्कुराते हुए बस यही प्रार्थना। तो मिलजुल के हमने खाना एंजॉय किया, सबने अपनी अपनी पसंद के खाना मंगवाया था और काफी अच्छा लगा। यहाँ की पूजा इतनी अच्छे से संपन्न हुई, उसके बाद अच्छे से उसके बाद जल्दी ही टाइम चला जा रहा है तो फिर चलने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। हो गया खाना पीना, शिप्रा का वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट बकरा ये अच्छी लाइन जुड़ी है। ब्लॉग में भी आ गया ये दल भाई मिल गया अगला बकरा ब्लॉग के लिए। ये ताजा ताजा बकरा शिप्रा शिप्रा मिल गया तेरा बकरा। हंडी जी है बता दी हो ये ताजा गीदड़ गीदड़ भी नहीं भाई सीधा आती गुलाब जामुन अरे बच रहे अभी तक गुलाब जामुन यार। हाँ एक बच रहे हैं आप और खाओगे ये देखो बेशर्मों की तरह खा रहे हैं और ये बेचारी बैठी हुई देख रही है पूछ भी नहीं रहा है। गुलाब गुलाब जामुन नहीं दूंगा किसी को भी है ना हेमंत। प्लेट तो खुद ही दे रखी और उसको कह रहे खा लो खा लो हाथ नहीं रुक रहे इसके वही कह तो चलिए इन सारे बच्चों से विदा लेके हमने भी चलने की तैयारी कर ली है। अभी एक बार से वो ऑफिस आए वापस से और उसके बाद फिर हमने आशु और शिखा से विदा ली कैब करके हम लोग वापस। तो काफ़ी अच्छा लगा इन सारे बच्चों से मिलके और काफ़ी अच्छा लगा ये पूजा करवा के। कई बार होता है ना कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें एक अजीब सी मतलब अपने आप ही एक अंदर से खुशी झलकती है तो अपने आप ही आवाज़ आने लगती है कि हाँ ये काम बहुत ही अच्छे से हो रहा है और आगे भी अच्छा होता रहेगा। तो कुछ ऐसी ही वाइब्स अपने आसपास महसूस हो रही थी इस बार। तो देखिए हम अपने इमारतों के जंगल को छोड़कर अपने गांव की हरियाली की ओर आगे बढ़ चुके हैं और एक उत्सुकता है कि आगे हमारे बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे तो फटाफट से हम जल्दी से पहुंच जाएं। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था और सूर्य की जो धूप है सूरज की वो काफ़ी अच्छी लग रही थी और हमने अपने गाँव में कर ली है एंट्री लहलहाते खेतों के बीच जो है सरसों के और गेहूँ के खेत आप देख सकते हैं। और डुगू मिल गया हमें गली में ही इंतजार करते हुए और साथ साथ उसकी टीम थी कालू और धोनी। चलो 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 घर तो चलो।
और ये देखिए हमारी छुटकी आते ही बस इनकी गोद में बैठ गई है, तो आप समझ सकते हैं कि ये बच्चे हमारा कितना इंतज़ार करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी।